2 सितंबर को सरकार ने पबजी मोबाइल पर बैन लगा दिया और पबजी के बैन होने के 2 दिन के बाद यानी कि 4 तारीख को एक नया गेम अनाउंस हो जाता है जिसका नाम है फौजी। अक्षय कुमार इसके बारे में ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की कॉल को सपोर्ट करेगा और इस गेम से जो पैसा आएगा उसका 20% सैनिकों के लिए बनाए गए ट्रस्ट भारत के वीर को जाएगा। साथ ही कहते हैं कि इस गेम से लोग एंटरटेन तो होंगे ही, इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में भी जानेंगे। मतलब नए गेम का अनाउंसमेंट तो ऐसे हुआ कि जैसे बस पबजी के बैन होने का इंतजार हो रहा था। पहले इंतजार था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पबजी के ही इस ऑल्टरनेटिव गेम फौजी की, बताऊंगा कि गेम कैसा है, साथ ही इस गेम पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉपी किए गए हैं, इसके अनाउंसमेंट की टाइमिंग्स पर भी कुछ सवाल हैं, तो इन सब सवालों के जवाब भी इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये नया गेम फौजी कैसा है, इसको कौन डेवलप करेगा और ये कब लॉन्च। तो फौजी का मतलब है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इसका नाम FAUG यानी फौजी ही क्यों रखा गया, तो शायद इसकी वजह है कि हमें हर चीज कॉपी करने की आदत सी है, वो पबजी है तो हम फौजी रखेंगे। वेल, इस पर आगे बात करूंगा, अभी फौजी के बारे में बात करें। तो इस गेम को डेवलप करेगी एक बेंगलुरु बेस्ड फर्म एनकोर गेम्स और इसको अगले महीने यानी कि अक्टूबर तक रिलीज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये एक शूटिंग गेम होगा जिसमें आप एनिमीज को ट्रेस करके उनसे फाइट करेंगे। मल्टीप्लेयर गेम होगा जिसमें 5 प्लेयर्स एक साथ खेल सकेंगे, मतलब जैसा हर शूटिंग गेम में होता है यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। एनकोर गेम्स फौजी को तो डेवलप करेंगे पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अक्षय कुमार का है और ये उन्हीं की मेंटरशिप में बनाया गया। तो इस वक्त देश में आत्मनिर्भर बनने की बात चल रही है और इसी सिलसिले में देश को अपना पबजी का मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव भी मिलने वाला है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट थिंग, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, यहाँ पर कुछ सवाल भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कल आपने एक नया गेम अनाउंस किया विच वी मस्ट अप्रिशिएट यू, लेकिन इसका अनाउंसमेंट होता है पबजी के बैन होने के बाद। ऐसा क्यों? अगर आप इसे पबजी के सामने अनाउंस करते तो ज्यादा बेहतर है। मतलब अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो लेट इट कम्पीट विद अदर प्रोडक्ट्स। लोगों के पास जब ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शन के बीच अगर वो आपका प्रोडक्ट चूज करते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है, वो ज्यादा अच्छी बात होती है। पर आप नया गेम अनाउंस करते हैं पबजी के बैन होने के बाद, तो क्या कहीं ये डर था कि ये गेम पबजी से कम्पीट नहीं कर पाएगा और लोग इसको इग्नोर कर देंगे? हालांकि ये कहा जा रहा है कि फौजी की जो प्लानिंग है वो मई जून से चल रही थी और पबजी बैन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वेल, इसका ताल्लुक है या नहीं है ये आप डिसाइड करें। नेक्स्ट, क्या हम आत्मनिर्भर चीजों को बैन करने के बाद ही बनेंगे? टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स आ गए लाइक रोपोस और सिंगारिया नगर, लेकिन द ट्रूथ इज कि इनमें से कोई भी ऐप टिकटॉक के मुकाबले का नहीं था। क्यों नहीं था? वजह यह है कि हम इंतजार करने लगते हैं कि मार्केट में किसी का भी कोई कहीं से स्पेस खाली हो और हम वहां पर फिट हो जाए या फिर एडजस्ट हो जाए, विच इज अ नेगेटिव अप्रोच। जब तक हम खुद से अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट ग्लोबली फेमस होने चाहिए पर होता ऐसा है कि हमारे प्रोडक्ट देश में ही नहीं चल पा रहे। शॉर्ट वीडियोज ऐप की बात करें तो टिकटॉक बैन के बाद चिंगारी और रोपोसो से ज्यादा आजकल लोग स्नैक वीडियो ट्रेलर यूज कर रहे हैं जो कि इंडियन ऐप्स है ही नहीं। वजह साफ है कि हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो नहीं है। इस पर आप कह सकते हैं कि भाई अभी तो शुरुआत है और आगे जाके चीजें बेहतर हो जाए। वेल, अगर आप शुरुआत में ही कॉपी करने लगेंगे तो आगे क्या होगा? इसका एग्जाम्पल फौजी नाम में ही, मतलब आप एक पॉपुलर मोबाइल गेम के नाम तक को कॉपी करें, वो पबजी है तो आप फौजी रखेंगे। भाई FAUJI कर लीजिए, पबजी को ही कॉपी करने की क्या जरूरत है? बट दैट्स व्हाट आवर अप्रोच है। साथ ही फौजी का जो पोस्टर शेयर किया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एक शटरस्टॉक की इमेज ले ली है और उस पर इंडियन फ्लैग को लगाकर एडिट कर दिया है एंड उसे यूज किया जा रहा है। वैसे उस इमेज को परचेज किया गया होगा पर जब आप कोई गेम डेवलप कर रहे हैं और वो भी सेना के नाम पर, वहाँ पर आर्मी का नाम ले रहे हैं, तो उसका पोस्टर तो एटलीस्ट ओरिजिनल बनाए, अपने आप बनाए। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक बड़ी फर्म ने जूम और गूगल मीट वीडियो कॉलिंग ऐप का राइवल ऐप बनाया और अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसमें भी चीजें गूगल मीट और जूम से कॉपी की गई। और ये सब करने के बाद बात की जाती है आत्मनिर्भरता और आर्मी का नाम लेकर आप अपने गेम को प्रमोट करते हैं, तो क्या आपके गेम को किसी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी? अगर वाकई में गेम अच्छा है तो लोग उसे डाउनलोड करेंगे और खेलेंगे। वेल, तो ये थे कुछ सवाल जिनका जवाब हमने इन्हीं सवालों के जरिए ढूंढने की कोशिश की। टिकटॉक, पबजी और दूसरे चाइनीज ऐप हमारा और आपका डेटा चुरा रहे थे और उनका बैन होना हमारे और आपके लिए बेहतर है क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। लेकिन जब बात आत्मनिर्भर भारत की हो तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने चाहिए जो दूसरों से बेहतर हो, मार्केट में कम्पीट कर सके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ओरिजिनल हो। आपकी इस पूरे सिनेरियो पर क्या राय है ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं